हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर बिजली इलेक्ट्रिसिटी. सो टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सर्किट, फ्यू सिंबल्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड चार्ज. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा. सो प्लीज listen very carefully, Ohm's law. So before I start with Ohm's law, I would like to tell you first about resistors. Okay, and in last lecture I tell you about this symbol, that this is the symbol for resistors. Okay, and this resistor is made up of alloy. Basically, we are using constantin or magnesium. ठीक है, ये resistor जो है alloy से मिलकर बना है. कौन कौन से alloy? Constantin या magnesium. ठीक है, and the nature of this resistor is, nature क्या nature होता है इसका? To oppose the flow of current. ठीक है, किसी भी वायर में करंट के फ्लो का अपोज करना, दैट इज नोन एज नेचर ऑफ द रेजिस्टर. एंड दिस नेचर इज नोन एज रेजिस्टेंस. इस नेचर का क्या नाम रखा हमने? रेजिस्टेंस नाम रखा. ठीक है बेटा, सो ओम्स लॉ. चलिए अब ओम्स लॉ पर आते हैं. रेजिस्टर इज अ डिवाइस which is in the resistor is a device which opposes the flow of current through a wire or through a device, and this nature is known as resistance. So Ohm's law beta, suppose this is a wire. I have A, B, and I connect this wire with a cell via a switch like this. Okay, situation number 1. Now again I have the same wire AB, and now I connect here a battery, because when two or more than two cells are connected, that is known as a battery. This is a cell, this is a battery. This is positive terminal and this is negative terminal. Okay, the diagram, the symbol I already told you in lecture number 4. So beta, here I have single cell, here I have double cell. Okay, suppose this cell having potential difference of 1.5 volt, and this cell is having a potential of 1.5, and this is also 1.5, so it becomes 3 volt. Iska potential 3 volt ho gaya, iska potential 1.5 volt hai. Okay beta, so now as you see in the diagram, as we connect, as we close the circuit, as we put switch on, you can say, to kya hoga? Potential will increase. जब पोटेंशियल बढ़ेगा, इट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल इंक्रीज. ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है ना, एंड ज्यादा वर्क डन होगा मतलब चार्ज पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस होगा. तो ये आप ये कह सकते हैं, देन इफ पोटेंशियल विल इंक्रीज देन करंट विल आल्सो इंक्रीज. क्योंकि पोटेंशियल का काम क्या है? चार्ज पार्टिकल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना. ठीक है बेटा, चलो हम ये मान लेते हैं कि वर्क डन इंक्रीज हो गया. वर्क डन इंक्रीज यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी. ये भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल आपका थोड़ा चार्ज पार्टिकल थोड़ा क्विकली मूव कर रहा है, आप ये भी कह सकते हैं इसको. तो चार्ज पार्टिकल क्विकली मूव करेगा तो टाइम कम लगेगा चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में. और टाइम कम लगेगा तो आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला, I = Q/T. अगर टाइम कम है तो करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. ठीक है ना, हम दो ही केसेस ले सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल हमने बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया तो वर्क डन ज्यादा होगा. वर्क डन ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो या तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा मतलब चार्ज पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस होगा. ज्यादा डिस्प्लेस होगा यानी ज्यादा देर तक मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा तो भी करंट ज्यादा मिलेगा. और अगर तेजी से डिस्प्लेस हो गया, इसका उल्टा दो सिचुएशन है ना, वर्क डन ज्यादा होने, वर्क डन ज्यादा होएगा तो क्या होगा? आइदर डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज
or quickly displaced. Quickly displaced. या तो चार्ज पार्टिकल आपका क्विकली डिस्प्लेस होगा, तुरंत प्रभाव से चला जाएगा, या फिर दूसरा क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई, इट मींस वो चार्ज पार्टिकल अब ए से यहां तक जाएगा। पहले मान लो ए से वो बी पॉइंट तक जा रहा था फॉर एग्जाम्पल, अब वो ए से सी तक जाएगा, तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो चार्ज ज्यादा पार्टिकल ज्यादा टाइम तक मोशन में रहा, ठीक है, ज्यादा देर ज्यादा दूर तक गया, ज्यादा ज्यादा ट्रेवल किया, ज्यादा मोशन में रहा। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा मोशन में रहने का मतलब क्या है कि जब तक चार्ज मोशन में रहेगा हमें करंट मिलेगा, यानी पहले करंट ए टू बी मिल रहा था सिर्फ, अब कहाँ मिलेगा, ए टू सी तक मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर वो क्विकली डिस्प्लेस करेगा, तुरंत प्रभाव से पहुंचेगा, तो टाइम कम लगेगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। कहने का मतलब क्या है ओवरऑल, कि इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल अमाउंट ऑफ करंट विल ऑल्सो इंक्रीज इन द वायर, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल, इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम कर दिया, अगर यहाँ पे 3 वोल्ट है और करंट ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट है तो करंट कम होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब पोटेंशियल ज्यादा लगाया गया होगा, या ऐसा कह सकते हैं पोटेंशियल ज्यादा लगाया है तो करंट ज्यादा मिलेगा। इट मींस इफ वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ करंट, इट मींस वी आर अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, और यू कैन सी इफ वी आर अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल देन वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, ये इन दोनों का कंक्लूजन है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये डाला हमने आर, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर, और ये आर क्या है आपका, आर है आपका रेजिस्टेंस, आर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आर क्या है बेटा, आर है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का क्या नेचर होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो जरा इसको मैं एक बार इरेज कर दूं थोड़ा सा, देखिए मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम किसी वायर में पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो वहां पे करंट ज्यादा मिलता है। करंट ज्यादा क्यों मिलता है, चार्ज पार्टिकल का वर्कडन वर्कडन ज्यादा हो गया क्योंकि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज तो उस वायर में जितना है उतना है, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं किया, तो किस में चेंज आया, वर्कडन में। तो वर्कडन में क्या, या तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा या क्विक डिस्प्लेसमेंट होगा, दो ही बातें हैं। तो डिस्प्लेस ज्यादा हुआ तो करंट ज्यादा ए से सी तक मिला, पहले कहां तक मिल रहा था, ए से बी तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई। सेकंड, क्विक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो उससे टाइम कम लगेगा चार्ज पार्टिकल को ए से बी पॉइंट पर जाने में, टाइम कम लगेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इन इस पॉइंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट मींस मोर पोटेंशियल वी आर अप्लाइंग मोर करंट वी विल गेट, ठीक है। तो वही, या करंट इफ वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ करंट, इट मींस वी आर अप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां से ये लॉ बना हमारा, वी इज इक्वल टू आर आई या वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। मैं इसमें इरेज कर रहा हूं एक बार, देखो वी इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। यहां पर वी क्या है, वी इज योर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड इन वोल्ट, आई इज योर करंट मेजर्ड इन एम्पेयर, आर इज योर रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम, ओम जो है वो यूनिट है, पोटेंशियल वोल्ट का सिंबल बी, एम्पेयर का सिंबल ए, और वोल्ट का सिंबल इस तरह से बनता है ओम, ठीक है। मैं फिर बना रहा हूं, पर देख लो इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मींस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर, थ्रू अ वायर, किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल के फ्लो का जो अपोज करेगा, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ आया बेटा बात। रेजिस्टेंस क्या है, विच रेजिस्टेंस इज यू कैन से नेचर ऑफ अ वायर,
tendency of a wire which oppose the flow of charge particle through a wire. किसी भी वायर में से चार्ज पार्टिकल के फ्लो का जो अपोज होगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है? एंड यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम है. तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? आप डिफाइन कर सकते हो बेटा R is equal to V by I, ठीक है ना? यानी if you are applying a potential difference of 1 volt and if you are getting a current of 1 ampere, it means resistance at that time is of 1 ohm. तो क्या बोलोगे? When a potential difference of 1 volt is applied and we are getting a current of 1 ampere, then resistance of wire is 1 ohm. Resistance of wire कितना हो जाएगा? 1 ohm हो जाएगा. आप इसको नोट करो, मैं जब तक मार्कर में डाल देता हूं, ठीक है? हाँ बेटा, तो लिख लिया ये रेजिस्टेंस क्या है बेटा? व्हेन अ पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज नेचर, यू कैन से नेचर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर. रेजिस्टेंस एक नेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वायर का आप कह सकते हैं, ठीक है ना? या स्पेसिफिकली आप कोई डिवाइस भी लगा सकते हैं किसी वायर के अंदर, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देना हो, ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस जो कि किसके किसका बना होता है रेजिस्टर? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का, ठीक है? या फिर कोई भी वायर हो आपकी, उस वायर के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहता ही है, 100% कोई भी नहीं है. सिल्वर जो है उसकी उसका सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, बट इट डजंट मीन कि वो रेजिस्टेंस नहीं देता, उसकी थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी होती है. मैं थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो बताऊंगा आपको रेजिस्टिविटी के बारे में. तो नेचर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ वायर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. एक तरह का अपोजिंग फोर्स जो कोई भी वायर दे रही है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने में, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर. और 1 ohm रेजिस्टेंस कितना होता है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं 1 volt का और करंट मिल रहा है हमें 1 ampere, उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम 1 ohm, ठीक है? ये आप डेफिनेशन कह सकते हो इसकी, डिफाइन 1 ohm, ये उसकी डेफिनेशन, ठीक है बेटा? तो ये आपका ohms law था. एक ग्राफ में ऐसा बता देता हूँ आपको, ये रहा. हाँ जी, देखो इसमें ग्राफ बनता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो आर क्या हो जाएगा बेटा? वी बाय आई हो जाएगा. आर क्या हो जाएगा? वी बाय आई, ठीक है? अगर आपको स्लोप निकालना आता है तो स्लोप में क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस. मान लीजिए मैंने ये 2 पॉइंट चूज कर लिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है. इसी तरह से इस पॉइंट पर करंट I1 है और करंट यहां पर I2 है. तो जो स्लोप निकलेगा, ये वाला हमारा स्लोप होता है, इस ढलान को हम स्लोप बोलते हैं बेटा, इस ढलान को. और ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? हम यहां पर ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो हम परपेंडिकुलर पर बेस लेके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? यस, ये वाला जो गैप है हमारा, ये वाला जो गैप है, ये हाइट, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे. और ये हो जाएगा बेटा V2 माइनस V1, क्योंकि ये टोटल हाइट V2 है और ये टोटल हाइट V1 है. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से,
आपके पास ये हाइट आ जाएगी, गैप आ जाएगा ये वाला, तो ये बनेगा वी टू माइनस वी वन, ठीक है। और इसी तरह से बेस निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ये निकालना है आपको, तो इस लेंथ में से इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो देखो ये क्या बनेगा, आई टू माइनस आई वन, ठीक है। तो ये आपका स्लोप हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया बेटा, आर के, ठीक है। तो पी आई वी आई ग्राफ में, इसको वी आई ग्राफ बोलते हैं, पोटेंशियल वर्सेस करंट। वी आई ग्राफ में अगर हम स्लोप लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है। और अगर हमें इनवर्स निकालना हो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, उसमें हम इस ग्राफ जो है वो कौन सा ले लेंगे, वी यानी पोटेंशियल एक्स एक्सिस पर, और करंट हमें लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पर, वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप यहाँ से करके देख लो, वन बाय आर इज इक्वल टू आई बाय वी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये बेस हो गया, तो ये यहाँ पर करंट आ जाएगा और यहाँ पर आपका पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फॉर्मूला है। और एक मैं ट्रायंगल बता देता हूँ आपको, ये देखो ये ट्रायंगल बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल का यूज करके कोई भी फॉर्मूला आप डेवलप कर लोगे। देखो इस ट्रायंगल से अगर मान लो वी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वी की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू आर हो जाएगी, ठीक है बेटा। वी की वैल्यू होगी आई इंटू आर, और आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वी बाय आर हो जाएगा, डिवाइड में है ना। आर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो गया, वी बाय आई, आर की वैल्यू निकालनी है वी बाय आई। आपको ये फॉर्मूला बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस ट्रायंगल को ध्यान में रखो, वी इज इक्वल टू, ये मैंने इस तरह से ट्रायंगल बनाई है, वी डिवाइड आई बाय आई और ये स्लैश आर। अब अगर आई निकालना है तो वी बाय आर हो गया, आर निकालना है तो वी बाय आई हो गया, वी निकालना है तो आई इंटू आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ट्रायंगल का यूज करके भी आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि वी और आई दिया होगा, आर निकालना होगा, तो फिर आप क्या करो, ये ऑप्शन ये है, फॉर्मूला लिखा वी इज इक्वल टू आई आर, और आर निकालना है तो वी बाय आई डायरेक्ट, या फिर इस ट्रायंगल को ध्यान में रखो और इस ट्रायंगल से डेवलप कर लो फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है ना। एक छोटा सा ये लो हिंट है आप लोगों के लिए, बार बार आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इस ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज अप टू ओम्स लॉ, आज हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू वायर देन वी आर गेटिंग करंट। पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो करंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, देन वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम कर दी तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो उसी से एक रिलेशन बना था, दैट वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा। फिर हमने वहां पर आर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल दिया, आर जो डाला हमने वो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, वी बाय आई, आर की वैल्यू होगी वी बाय आई। और ये हमारे आर होता क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि वायर में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। इस ग्राफ से अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इस ग्राफ को इनवर्स बना देंगे तो आपके पास इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा वन बाय आर। और इस ट्रायंगल का यूज करके, डायरेक्टली आप कोई भी आर की वैल्यू निकालना चाहें वी बाय आई हो जाएगी, आई की वैल्यू निकालना चाहें वी बाय आर हो जाएगी, वी की वैल्यू निकालना चाहें आई इंटू आर हो जाएगी। ये सिंपल एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा।